हाय एवरीवन, आई एम पूर्णा ठाकुर और स्वागत करती हूँ मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो हम जा रहे हैं आज रोहतांग वैली, रोहतांग साइड। तो ये जो भी आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है कोठी मढ़ी साइड का। ये वेदर है आपके जुलाई टू सितंबर टाइम का। ये बहुत ही अच्छा टाइम होता है यहाँ मनाली आने का। मुझे जो सबसे अच्छा लगता है पर्सनली, ये आजकल का टाइम लगता है, मतलब सावन का मेला। अगस्त टू सितंबर आप कभी भी आ सकते हो। आजकल जो है सब जगह ग्रीनरी होती है और आप खूबसूरत पहाड़ियों का, वादियों का मज़े ले सकते हैं। क्योंकि विंटर के टाइम जो यहाँ पे आना जाना बंद रहता है, क्योंकि बर्फ़ वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, तो मतलब यहाँ पे रोहतांग साइड जाने ही नहीं दिया जाता। और जो मुझे रियल में लगता है कि जो रोहतांग वैली अगर एक्चुअल में देखनी है तो इस महीने पे आना चाहिए, अगस्त टू सितंबर के टाइम। जुलाई टाइम भी आ सकते हैं, क्योंकि इस टाइम एकदम अच्छा वेदर रहता है, ना गर्मी होती है, बहुत ठंड, मतलब बहुत अच्छा होता है। और ये हम जो एक्चुअल में पहुँचे, ये हम कोठी साइड है। यहाँ पे ये जो सारी आपको पहाड़ियाँ दिख रही है, ये कोठी वैली है। तो हम सारे कज़न्स गए थे पिकनिक मनाने, मैं भाई और मेरे भाई बहन, छोटे भाई बहन। इस टाइम जो है ट्रैफिक भी उतना नहीं रहता है, जैसे विंटर टाइम लोग बर्फ़ देखने के लिए बहुत उतावले होते हैं, इच्छुक होते हैं। हाँ मतलब अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है उस टाइम भी, पर ट्रैफिक इतना होता है कि चार चार पाँच पाँच छः छः घंटा मतलब आप ट्रैफिक पर ही रह जाते हो, मतलब कि और डेस्टिनेशन आप घूम ही नहीं सकते। तो आजकल का टाइम सबसे बेस्ट है। और हम लोग अंदर बैठे ही नहीं, बाहर हमें इतना अच्छा लग रहा था कि हम मतलब पूरे ट्रिप में हम बाहर ही बैठे रहे। और मेरा भाई और बड़ा भाई और छोटा भाई वही लोग आगे बैठे होते, बाकी हम मतलब फुल एंजॉय कर रहे थे। तो मैं आपको इस वीडियो में बस यही दिखाना चाहती हूँ कि किस महीने में आना चाहिए और इस महीने इन दिनों में कैसा वेदर रहता है, कैसी खूबसूरत वादियाँ दिखती है। वो हम जिस रूट से जा रहे हैं, ये मनाली टू मतलब ब्यास कुंड से होके ये हमें कोकसर में मिलेगा। रोहतांग से होके जाएंगे हम, कोकसर में जाके मिलेगा, जो कि अटल टनल के बिल्कुल, जैसे अटल टनल से जाते हो तो दूसरी तरफ से जो दिखता है वो सिसु है, उसके अगर राइट साइड को जाते हो थोड़ा सा, शायद 4-5 किलोमीटर या 6-7 किलोमीटर है, वहाँ कोकसर जगह है, वहाँ पर जाके मिलता है। तो पहले का जो रूट हुआ करता था लाहौल का, वो वहीं से हुआ करता था, वहीं से जाया करते थे। अब अटल टनल के बाद 2-4 घंटे का सफ़र अब और कम हो चुका है। तो जब भी आप कभी मनाली आओ तो रोहतांग से होके ज़रूर जाएं, और वहां से आप ब्यास कुंड भी देख सकते हैं। ब्यास कुंड जहाँ से ब्यास नदी का उद्गम स्थान है, तो वो वहाँ पर है। और ये है मढ़ी का व्यू जो आपको मैं दिखा रही हूँ। मढ़ी में ही है, थोड़ा सा नीचे एक झील सी है। इसके बाद हम पहुंचने वाले हैं ब्यास कुंड। ब्यास कुंड में हम जो ब्यास ऋषि ने तपस्या की थी, जहाँ से ब्यास नदी का ओरिजिनल पॉइंट है, तो हम वहाँ जाएंगे और थोड़ा माथा मुथा टेक के आएंगे। तो वीडियो में बने रहें, और इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और कॉमेंट ज़रूर करें कि आपको ये रोहतांग वैली कैसी लगी। और ये था मेरा मिनी ब्लॉग जो हम गए थे। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको फुल ब्लॉग ज़रूर दिखाऊंगी। इस टाइम मैं थोड़ा प्रिपेयर नहीं थी कि मैं ब्लॉग बनाऊंगी या नहीं, बट नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर आपको फुल वीडियो दिखाऊंगी और सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगी। और वीडियो में बने रहे, और थैंक यू फॉर विजिट हियर, और टेक केयर, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। So these flowers are grown naturally, इन्हें उगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये अपने आप ही उगे जाते हैं, मतलब पहाड़ों में जो जोत बोले जाते हैं वहाँ पर ये अपने आप ग्रो होते हैं। और ये है ब्यास कुंड जहाँ पर ब्यास ऋषि ने तपस्या की थी, और यहीं से हमारी ब्यास नदी प्रवाहित होती है, यहीं से हमारी ब्यास नदी का ओरिजिन है। तो होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, अब फिर से बोल रही हूँ, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। Thank you.
बेश बेश बस बस हुआ बड़ी बारी आई इतनी